औरंगाबाद में 20 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा शनिवार शाम पास ही रहने वाली सहेली के घर जा रही थी, तभी एक बदमाश ने उसे अगवा कर लिया। वह उसे कार से सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने और उसके दो साथियों ने रेप किया। इसके बाद छात्रा को झाड़ी में फेंक कर फरार हो गया। पेट्रोलिंग पर निकली मुफस्सिल थाना पुलिस ने लड़की के कहराने की आवाज सुनी तो उसे सदर अस्पताल ले गई। पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसे राहुल कुमार ने जबरदस्ती पकड़कर कार में बिठाया, इसके बाद किसी अनजान जगह पर ले गया। उसने मेरे चेहरे पर स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया। आंख खुली तो देखा कि मेरे पास राहुल कुमार, उसका दोस्त अविनाश कुमार राम और पंकज राम थे। मैं तीनों से गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने एक न सुनी। तीनों ने रेप किया और मारपीट की। इसके बाद धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। लड़की के भाई ने बताया कि उसकी सहेली का घर 200 मीटर की दूरी पर है। बहन देर तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। लड़की ने फोन उठाया तो कहराने और रोने की आवाज़ सुनाई दी। परिजन चिंतित हो गए। परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी। लड़की ने गांव के ही रहने वाले तीन युवकों पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की के पिता किसान हैं, वे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही महिला थाना अध्यक्ष सदर अस्पताल पहुंची और मेडिकल कराकर लड़की का बयान दर्ज किया। महिला थाना अध्यक्ष ने कहा कि तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, तीनों से पूछताछ की जा रही है, मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। मुफस्सिल थाने की पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान छात्रा की कराहने की आवाज सुनाई दी थी। पास जाकर देखा तो छात्रा अर्धनंग अवस्था में झाड़ियों के बीच पड़ी थी। जानकारी लेने पर उसने सारी कहानी बताई, जिसके बाद पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज किया गया। परिजनों को मामले की जानकारी दी गई और उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आया गया। उसकी हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। वहीं इधर इस मामले को उठाते हुए स्थानीय बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को शीघ्र सजा देने की मांग की है। उसके बाद ये भी बोला कि इसके पास फ़ोन है, इसी के फ़ोन से उसको बदनाम करेंगे। उसके बाद फिर जब वो हमको गाड़ी में बैठाया सर, तो उसको थोड़ा होश आया था, तो हम अपनी माँ के पास फ़ोन किए सर। माँ कॉल नहीं उठाई थी सर, लेकिन बैक कॉल जब की तो हम नहीं उठा पाए थे सर, क्योंकि वो तो गाड़ी में ही था, बात कर रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था कि इसी के फ़ोन से इसको बदनाम करेंगे, इसी के नंबर पर फ़ोन करके। उसके बाद फिर मेरी माँ कॉल की सर, तो हम इसको सर मम्मी जैसे ही बोलने वाला फ़ोन छीन के सिम तोड़ के फेंक दिया सर। उसके बाद सर शाम को उसका दो भाई और आया और बोला कि इससे शादी कर लो, नहीं तो तुमको तो मारेंगे ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को भी मार देंगे। अगर पुलिस मिल गई रात को तो तुम उससे वही बोलोगी जो हम लोग बोलने के लिए कह रहे थे। सर लोग जो कहा हम वही कहें सर, यहाँ तक कि हम मदनपुर तक यही बात कहे कि हम उससे शादी करेंगे। अपनी चाची से भी सिर्फ हाँ बोले सर। कुल कितने लोग थे? पांच लोग थे। क्या आपके साथ में गलत भी हुआ है? यस सर। हमारी बहन कल दोपहर को बोली फ्रेंड के यहाँ जा रही है, बोली अब बोलने के बाद गई तो फ्रेंड के यहाँ गई तो डेढ़ बजे तक नहीं आ पाई। हम लोग कॉल किए, उसका कॉल है कुछ तो कॉल किए तो ढूंढने लगे तो कहीं मिली नहीं, तो 49 में इसका कॉल आया तो बोली कि तो हम रिसीव नहीं कर पाए। तो उसके बाद हम उसको फ़ोन किए तो 2:18 फ़ोन उठाई और उससे हैंड फ्री फ़ोन था तो उसे माँ कह के काट दिया। ऐसा लगा कि जैसे ये अकबक है, इसके साथ कुछ हो रहा है, तो हम लोग को दिमाग में खटक गया। फिर हम लोग पूरा गांव में छान मारे, कहीं नहीं मिले। फिर हम गांव पे देखे कौन कौन लड़के हमारे गांव में नहीं है, तो हमारे गांव के अनिल पासवान के भतीजे और सुनील पासवान के बेटा जो है बिट्टू कुमार, उसका नाम ये तो उसका पुकारू नाम बिट्टू कुमार है, क्योंकि हम उसका मुख नाम नहीं जानते, वो नहीं था घर में। और तो उसके बाद हमारे उसके बाद जब हम लोग थाना वाना पर फोन किए तो नहीं थे, हम कल मुख्य विसर्जन में गए थे
मूर्ति विसर्जन सबके समय लौट बोले कि हमको लेट होगा तो हम लोग फिर लेट भी सुबह जाएंगे तो सुबह तो हम लोग को फिर 7:30 बजे तक फोन आया 7 बजे तक कि लड़के लड़की पकड़ा गई है वहाँ देव मोड़ पर। हम देव मोड़ गए, देव मोड़ पर गए तो देखा कि हम पहले से ही लड़के के चाचा अब नशे की हालत में लड़के का जो लड़की के जो पिता है वो और कुछ जो है पंचायत में अपना करियर चमकाने वाले हमारे मुखिया प्रतिनिधि हो या वो हो जो भी हो सब आए, जबकि उन लोगों को हमारे परिवार के लोग जो हैं सब डांट उठ के हमारे गांव के लोग गैंगरेप की बात आ रही है सामने, इस पे क्या कहेंगे जी? हमारी बहन के कहने के अनुसार गैंगरेप उसके साथ हुआ है। कुल कितने लोग थे? कुल 5 लोग थे बोल रहे हैं। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमारी बहन के साथ न्याय हो, दोषियों को कड़ी से सजा मिले, क्योंकि अगर वो लोग बिल्कुल आजीवन कारावास मिलती है तो वो फिर 10 से 20 साल बाद छूटेंगे और फिर से यही घटना करेंगे, और हम नहीं चाहते कि ऐसे समाज की किसी भी बेटियों के साथ ऐसा हो, इसलिए उस घटना को रहती हो उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पूरा मामला क्या है? मामला यही है कि आज मेरे ही संसदीय क्षेत्र के एक गाँव में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, और बहुत ही घृणित अपराध है, ये मानवता के विरुद्ध ये अपराध है, और ऐसे किसी दरिंदे को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैंने पीड़ित परिवार से भी कहा है कि आप लोग भी किसी के दबाव में या किसी के डर से या किसी के लालच में या किसी भी तरह से आप लोग इस बात को समझौता करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार मत होइएगा। साथ ही मैंने सुबह सुबह सारे प्रशासन के लोगों को, सिविल सर्जन को, सब लोगों को कहा है इसके पूरी उचित जांच करके मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जल्दी से जल्दी तुरंत इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा ये, और सरकार से मैं ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, यानी इस मामले को, इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए, ले नहीं जाना चाहिए बल्कि सरकार ले जाए इसको और तुरंत सजा ऐसे दरिंदों को मिले, ताकि समाज में दूसरे लोग, समाज में एक अच्छा संदेश जाए कानून के प्रति, शासन के प्रति, और ऐसे दरिंदे, ऐसे घृणित अपराधी इन चीज़ों से डरे। कितने लोग अब तक गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बच्ची ने अपना स्टेटमेंट दिया है और उसके आधार पर भी मैं पुलिस प्रशासन से मैंने कहा भी है और आगे भी मैं कह रहा हूँ, प्रेस के सामने भी मैं कह रहा हूँ कि शीघ्र से शीघ्र बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो और सजा भी तुरंत मिले, जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके इस मामले को और सजा दिलवाया जाए।